शांति। जिस तरह से हर त्योहार की तैयारियां होती हैं और हर त्योहार के लिए हम बहुत मन में उमंग उत्साह से संकल्प रखते हैं कि वो दिन आएगा, इसी तरह से 31 दिसंबर और 1 जनवरी अब आ रहा है तो उसके लिए भी मन में अनेक प्रकार के उमंग आ रहे होंगे। एक तरफ तो हाँ, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे खुशियाँ मनाने के लिए लाइट्स जगाते हैं और साथ ही साथ पार्टी की तैयारियाँ करते हैं, वो तो बेशक करें, बहुत अच्छी तरह से हम मनाएं। परंतु न्यू ईयर के साथ साथ हम अपनी नई जीवन को और आगे बढ़ाने का भी लक्ष्य रखते हैं। लोग तो एक दिन के लिए सोचते हैं कि हाँ, ये हमारा प्रॉमिस है, ये हमारा कमिटमेंट है, रेजोल्यूशन है, परंतु फिर बहुत करके तीसरे चौथे दिन तक पहुँचेंगे तो वो बात थोड़ी सी पीछे हट जाएंगी। एक सप्ताह बीता फिर तो शायद वो प्रॉमिस ख़त्म ही हो जाती। परंतु जब हम परमात्मा की याद में परमात्मा के द्वारा बिल्कुल दिल से अपना वायदा करते हैं तो परमात्म शक्ति भी जो हमें मिलती है, उस परमात्म शक्ति द्वारा भी हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं जीवन परिवर्तन हो और हमारी जीवन ऊंचा बने, उसके लिए हमारे पास बहुत पक्का संकल्प होता और परमात्मा के द्वारा उस संकल्प में शक्ति भी आती, ताकि ऐसे नहीं कि एक सप्ताह के बाद हम उस बात को भुला लेवे। नहीं, हम ऐसे अपने पास वो दृढ़ संकल्प रखें, अपनी बुद्धि को ऐसे एकाग्र बनाए तो वो जो हमारा शुभ संकल्प है हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से सभी उसको देख सके और समझे कि हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है। तो न्यू ईयर डे के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो और मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आपके जीवन में बहुत सुंदर रीति से नवीनता आए परमात्मा की शक्ति और याद के द्वारा। ओम शांति।